ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइंड लीप ईयर इन एमएस एक्सेल। तो हमारे पास जब भी कोई डिजिट या सॉरी ईयर दिया जाए, ठीक है, तो उस ईयर को हमें चेक करना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर हमारा वो ईयर होता है जो हमारे ईयर चल रही है काउंटिंग, उनमें हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है, सही है, क्योंकि वो वैसे जो नॉर्मल हमारे ईयर होते हैं उनके अंदर 365 डेज होते हैं, सही है, लेकिन लीप ईयर के अंदर हमारे 366 डेज हैं। कौन सा क्लियर है? क्योंकि हमारे पास एक डे बड़ा बनता है ना, या रात है कोई, तो उसकी वजह से वो चार सालों में एक दिन काउंट हो जाता है। कौन सा क्लियर है? तो हर चौथा साल हमारा क्या होता है? लीप ईयर है। तो अगर आपके पास जो करंट ईयर चल रहा है उनको अगर हमें चेक करना हो कि वो ईयर हमारा लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास इफ के अंदर हमारा इफ फंक्शन, जो हमारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सेल के अंदर, और दूसरा मोड का फंक्शन जो रिमाइंडर के लिए हम यूज करते हैं, उसी के साथ हम ये चीज मालूम कर सकते हैं। तो कैसे होगा? इज इक्वल टू इफ, ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एम ओ डी। हमें क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है। किसका लेना है? इस नंबर का या इस ईयर का। अब जैसे कि आप और हम जानते हैं कि जो आपका ईयर कौन सा होता है, हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है, तो हम इसका रिमाइंडर जो लेंगे वो चार से लेंगे। किससे लेंगे? चार से। कौन सा क्लियर हो गया? कि ये जो ईयर है इसका रिमाइंडर किससे लो? फोर से लो, सही। अब रिमाइंडर इस तरह से नहीं दिया जाता, वैल्यू देते हैं, फिर आपको देना है कि किसके साथ आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं। यानी बी फोर सेल के अंदर ये जो वैल्यू पड़ी है 2004, इसका रिमाइंडर लो किसके साथ? चार के साथ। और अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ जाता है, इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो वो हमारा ईयर लीप ईयर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? वरना वो हमारा नॉट अ लीप ईयर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? कि जो भी आपकी वैल्यू है उसका रिमाइंडर लेंगे हम फोर के साथ, और अगर वो वैल्यू बराबर हो गई जीरो के, यानी उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जैसे 2004 का रिमाइंडर फोर से अगर लेंगे ना आप, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू जीरो आएगी, है ना। तो हमारे पास जिस जिस ईयर की रिमाइंडर जीरो बचेगी वो हमारा लीप ईयर होगा, वरना वो लीप ईयर नहीं होगा। एंटर कर लेते हैं। तो देखें, ये लीप ईयर है, अब ये इवन ऑड नहीं है बेटा। अगर आप इसको 2002 देंगे तो ये बताएगा ये नॉट अ लीप ईयर। श्योर है कि ये लीप ईयर नहीं है? कौन सा क्लियर है? उसके बाद अगर जैसे हमारा 2020 चल रहा है, अगर आप इससे पूछेंगे तो वो लीप ईयर है। कौन सा क्लियर है? और 2018 जबकि वो इवन नंबर है ना, फिर भी वो लीप ईयर हमारा नहीं है। कौन सा क्लियर हो गया? सही है। या वैसे जो ईयर है हमारे 2015 हो गया, तो हमारा वो भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। या 2019 हो गया तो वो भी हमारा लीप ईयर नहीं है। 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020 आर अ लीप ईयर्स, राइट। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर बाय यूजिंग एमएस एक्सेल फंक्शंस।